बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंफॉर्मेटिव टीवी में मैं आपका एक दफ़ा फिर वेलकम करता हूँ। आज मैं आपके लिए जेहलम अब्बासपुरा की प्राइम लोकेशन पे गैस, बिजली, पानी, सेवरेज, कंक्रीट, कारपेट, स्ट्रीट, चार मरले का डबल स्टोरी घर लेकर आया हूँ। मजीद डिटेल बताने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन पर क्लिक करना नहीं भूलना, ताकि इस तरह की नई इन्फॉर्मेटिव अच्छी वीडियो बर वक्त बसानी ईजिली नोटिफिकेशन के जरिए आप तक पहुँच सके। कैमरा मैन पैन करके दिखा सके तो गैस लगी हुई है, फ्रंट पे एक टायर का इस्तेमाल है, अंदर आपको घर का अंदर का व्यू दिखाऊंगा, देन आपको ये बताऊंगा कि प्लंथ यहाँ से 3 स्टेप के बाद कारपोर्च, देन 3 स्टेप के बाद एंट्रेंस है। कारपेट स्ट्रीट है, अभी फ्रंट एलिवेशन के बाद हम जो है ना अंदर का आपको सारा व्यू चेक करवाते हैं, देख सकते हैं। और बी होनेस्ट, ये घर जबरदस्त बना हुआ है, अच्छा मटेरियल लगा हुआ है, टाइल का इस्तेमाल है, ये देख सकते हैं फ्रंट अच्छा। घर के अंदर एंटर होते हैं, अंदर से आपको सारा व्यू दिखाता हूँ, एक दफ़ा गेट का आपको व्यू दिखा के घर के अंदर एंटर होते हैं। ये देखें जी, ये टाइल का इस्तेमाल है, सारे घर में टाइल का इस्तेमाल, कुछ जगह पे पेपर लगा है वो भी चेक करवाएंगे। नीचे प्लंथ आप देख सकते हैं जी, सबसे प्लस पॉइंट ये है कि कंक्रीट कारपेट स्ट्रीट है, देन प्लंथ 3 स्टेप के बाद एंट्रेंस, ये जो कारपोर्च, देन 2 स्टेप के बाद एंट्रेंस है, ये देखें 1, 2 और ये 3 स्टेप, ये देन लेफ्ट साइड पे ड्राइंग रूम है, 1, 2 स्टेप के बाद तीसरे स्टेप पे ड्राइंग रूम है। और सेम सिमिलर लाइक जब हमने टीवी लॉन्च के अंदर एंटर होना था वो भी ये है। ये कारपोर्च, कारपोर्च का आपको सारा व्यू दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हैं ये कारपोर्च और ये मेन एंट्रेंस, लेफ्ट साइड पे ड्राइंग रूम, सबसे पहले ड्राइंग रूम में एंटर होते हैं, 1, 2 और ये तीसरे स्टेप में एंट्रेंस। नीचे मार्बल का इस्तेमाल है, ब्लैक पट्टी डिजाइन, टुईरा साइड पर पट्टी, स्कर्टिंग इन्होंने जबरदस्त स्कर्टिंग लगाई है, साइड पर आप देख सकते हैं स्कर्टिंग, और ये पेपर लगाया हुआ इन्होंने। सर बच्चे वगैरह होते हैं, हाथ वगैरह लगते हैं, तो इस हिसाब से इन्होंने मैनेज किया हुआ है। ये सीलिंग डिजाइन, सीलिंग कलर आउटसाइड का, यहाँ से इनसाइड से आउटसाइड का व्यू, अल्मोनियम का, अल्मोनियम की विंडोज लगाई हुई है, जबरदस्त तरीके से इन्होंने मैनेज किया हुआ है। अभी हम कारपोर्ट से ही इसके साथ कह आपको बताता चलो, वॉशरूम भी है और ये OTS, ये ओपन एरिया है, इसको आप जगह को यूटिलाइज कर सकते हैं, आप एक्स्ट्रा सामान रख सकते हैं देन फ्रेश एयर के लिए। और ये वॉशरूम है, ये अटैच है वॉशरूम इसके साथ, ड्राइंग रूम के साथ, देन ये दूसरे रूम के साथ भी है, ये देख सकते हैं इस रूम के साथ भी है। इधर इंग्लिश सीट लगी हुई है, कमोड लगा हुआ है, और ये देखेंगे अभी हम एंटर होते हैं टीवी लॉन्च में, लेकिन मैं कारपोर्ट से एंट्रेंस आपको चेक करवाता हूँ। कारपोर्ट में इन्होंने बेसन, देन हम एंट्रेंस करते हैं, ये एंट्रेंस हम टीवी लॉन्च में, ये टीवी लॉन्च है, टीवी लॉन्च में सीलिंग, और यहाँ से स्टेयर्स का रास्ता ऊपर, ये ड्राइंग रूम का इस साइड से भी व्यू है, यानी कि इस साइड से भी एंट्रेंस है, उस साइड से भी एंट्रेंस है। लेफ्ट साइड पे रूम है स्टैंडर्ड साइज से बड़ा, यहाँ पे डबल बेड भी आ सकता है, सोफा सेट भी है, सोफा आ सकता है, आप सोफा वगैरह रख सकते हैं, चेयर्स वगैरह, ये बड़ा रूम है। और ये देखेंगे सीलिंग डिजाइन, ये आपको मैं चेक करवाया था वॉशरूम का व्यू, ये देख सकते हैं आप। अभी आपको मैं चेक करवाता हूँ किचन, तो ये किचन है, सेपरेट किचन इन्होंने बनाया हुआ है, ये देख सकते हैं अल्मोनियम की कैबिनेट बनाई हुई है, अल्मोनियम की कैबिनेट बहुत कम बनती क्योंकि एक्सपेंसिव होती हैं, देख सकते हैं आप। और ये टाइल का वॉल टू वॉल, यानी कि तकरीबन ऑलमोस्ट 6 फुट, 5.5 फुट जो है टाइल लगाई हुई है, नीचे भी कैबिनेट अल्मोनियम के, ये सीलिंग इसकी OTS इन्होंने बाहर वाली साइड पर की है, और ये एक्स्ट्रा जो स्पेस है इसको भी इन्होंने इस्तेमाल में लाया हुआ है, एक्स्ट्रा स्पेस ये फ्रेश एयर के लिए, रोशनी के लिए। अब इस शेयर से ऊपर चलते हैं, स्टील की रेलिंग, ये देखें जी नीचे पत्थर का इस्तेमाल, ग्राउंड फ्लोर के बाद हम फर्स्ट फ्लोर पे आ गए जी, देख सकते हैं वॉलपेपर का इस्तेमाल, वॉल टू वॉल वॉलपेपर का इस्तेमाल किया गया, ये देखें जी ये टीवी लॉन्च, फ्रंट पे भी वॉलपेपर का इस्तेमाल, इस साइड पे भी इस्तेमाल, इस जगह भी इस्तेमाल में ला सकते हैं, अगर एक्स्ट्रा कोई आपने बनाना है बेसन वगैरह, या इसके अलावा सिंक वगैरह बनाना है तो इस जगह को इस्तेमाल में ला सकते हैं। एक ये रूम है, ये रूम बड़ा रूम है, ये देखें सीलिंग डिज़ाइन, खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन है। और इसके साथ जो वॉशरूम है वो ये वॉशरूम है, इधर इंडियन सीट ये देख सकते हैं, और यही वॉशरूम इसके रूम के साथ भी अटैच है। OTS टोटल इस घर में 5 रूम्स हैं जी, वो मैं आपको चेक करवाता हूँ। एक ये सामने रूम है और एक ये भी मैं जिसमें वॉशरूम आपको बताया इसके साथ अटैच है, ये अटैच वॉशरूम है इसके साथ। इसकी भी सीलिंग डिजाइन जबरदस्त, और एक ये रूम है जी,
इसका भी देख सकते हैं आप, सीलिंग डिजाइन, वॉलपेपर, आउटसाइड का व्यू ये देख सकते हैं, ये आउटसाइड का सारा व्यू है जी। आउटसाइड बाहर वाली साइड पे भी आप जा सकते हैं इजीली, अब ये जाके चेक करवाते हैं आप। ये बाहर वाली साइड पे हम आ गए, ये बाहर का सारा व्यू है जी, ये बाहर का व्यू है। अभी हम चलते हैं मोंटी में, तो ये देख सकते हैं वॉल टू वॉल वॉलपेपर का इस्तेमाल किया गया, नीचे मार्बल, साइड पे स्कॉटिंग, देन हम मोंटी में आ गए। ये मोंटी का सारा व्यू है, बड़े साइज की मोंटी है, एक्स्ट्रा स्पेस इस जगह को यूटिलाइज कर सकते हैं आप, ये देख सकते हैं। आउटसाइड का व्यू आपको चेक करवाऊँ, आगे पीछे आबादी वाला एरिया जी, देख सकते हैं मस्जिद भी पास, आगे पीछे का व्यू। OTS ओपन टू स्काई का खास ख्याल रखा गया इस घर में फ्रेश एयर के लिए, ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये मोंटी का सारा व्यू। अब आप इस चीज़ के मुंतजिर होंगे, आपको बताया जाए इस प्रॉपर्टी की ओनर डिमांड क्या कर रहे हैं। तो जी नाज़रीन, आपको ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर सारा व्यू चेक करवाया, कार्पेट स्ट्रीट है, प्लंथ इसका जबरदस्त प्लंथ है, यानी कि जो कारपोर्ट में एंट्रेंस है उसके तीन स्टेप गली से, और देन कारपोर्ट से मेन टीवी लॉन्च में एंट्रेंस के तीन स्टेप है, प्लंथ भी अच्छा है, और ये अच्छा घर बना हुआ है, टाइल मार्बल का, फ्रंट पे भी टाइल का इस्तेमाल, सारा कुछ आपको बता दिया मैंने वीडियो में। आप इस चीज के मुंतजिर होंगे, आपको बता दिए इस प्रॉपर्टी की ओनर डिमांड क्या कर रहा है। तो ओनर की डिमांड 80 लाख, गैस मौजूद है, रीजनेबल प्राइस, जल्दी आपने रब्ता करना क्योंकि ये जल्दी सेल होने वाली है और अच्छी प्राइम लोकेशन पे है, बासपुरा की प्राइम लोकेशन पे, कार्पेट स्ट्रीट, गैस, बिजली, पानी, हर फैसिलिटी, कंसेशन ऑब्वियसली थोड़ी बहुत होगी, लेकिन वो बयाने पे टोकन में जब बात आएगी या बैठ के फ्लेक्सिबिलिटी करवा के दी जाएगी। अगली वीडियो देखने के लिए मुझे इजाजत है, लेकिन आपने जल्दी रब्ता करना, स्क्रीन के ऊपर नंबर ब्लिंक कर, इस पर जल्दी आपने रब्ता करना। खुदा हाफिज़।